धार शहर के बहुचर्चित नर्सिंग छात्रा के सुसाइड की कोशिश केस में कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। टीएचपी लाइन में नर्सिंग छात्रा द्वारा सुसाइड केस का पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया है। छात्रा के सुसाइड की जांच कर रही पुलिस के सीसीटीवी फुटेज और कॉलेज के टीचर के बयान के बाद कई बिंदुओं पर जांच की। इसमें सामने आया कि नर्सिंग छात्रा अपने प्रेमी की एक माह पूर्व हुई शादी से आहत थी। जब शादी के बाद प्रेमी और उसके दोस्त छात्रा को के पास पहुंचे थे तो उसने दुखी होकर ब्लेड से अपना गला काट लिया था। छात्रा ने इस घटना के बाद बदनामी के डर से साक्ष्य को छुपाने के लिए प्रेमी विनोद पिता विजय अमलियार निवासी 5 पिपलिया अमझेरा ने घटना बदलकर पेश की। नर्सिंग छात्रा कमला डामोर ने जो बयान दिए थे उसमें ज्ञान कॉलेज ऑफ नर्सिंग व वहां की टीचर पर दस्तावेज नहीं देने व 3 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस जांच में पूरे मामले की परतें खुली तो कहानी कुछ और ही सामने आई। गौरतलब है कि 17 मई को नर्सिंग छात्रा कमला डामोर को लहूलुहान स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस दौरान छात्रा के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। डॉक्टरों ने उपचार के लिए छात्रा को आईसीयू में भर्ती करवाया था, जहां उपचार के बाद छात्रा ने अपने बयान में नर्सिंग कॉलेज और एक टीचर पर गंभीर आरोप लगाए थे जो जांच में फर्जी निकले। नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वास्कले ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए खुलासा किया। इसमें बताया कि 17 मई की रात शिव विहार कॉलोनी में छात्रा कमला के रूम पर आरोपी विनोद और उसके साथी गए थे, जहां कमला ने दुखी होकर ब्लेड से स्वयं ने गला काट लिया। छात्रा और विनोद के बीच प्रेम प्रसंग था। अपना रिश्ता छुपाने व बदनामी के डर से असत्य बयान दिया और पुलिस को असत्य जानकारी देकर गुमराह किया। इस पर छात्रा कमला और विनोद के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 182, 193, 203 व 120 बी में केस दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि छात्रा कमला और विनोद 1 साल से संपर्क में थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन इस बीच विनोद ने 1 माह पूर्व ही शादी कर ली थी। इससे छात्रा कमला बुरी तरह आहत थी। घटना दिनांक को जब विनोद शादी के बाद छात्रा के रूम पर पहुंचा तो उसने दुखी होकर प्लेट से स्वयं ही गला काट लिया। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। दिनांक 18 तारीख को एक मामला हमारे संज्ञान में आया कि एक नर्सिंग छात्रा जो सेकेंड ईयर GNM की है, भोज हॉस्पिटल में एडमिट थी और स्वयं को आहत करके एडमिट हुई थी। उसका स्टेटमेंट था कि ज्ञान नर्सिंग कॉलेज की स्टाफ के द्वारा उसके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए हैं और दे नहीं रहे, उसके एवज में 3 लाख रुपये मांग कर रहे हैं। मामला काफ़ी गंभीर था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसको संज्ञान में लिया और थाना प्रभारी और इसकी टीम ने बिंदुवार इसकी जाँच की। जांच में ये पाया गया कि प्रारंभिक पूछताछ में उसने ये बताया था कि जैसा उन्होंने आरोप लगाया था और नायब तहसीलदार जी को DD में भी यही स्टेटमेंट दिया था, लेकिन जब बिंदुवार जांच की गई इसमें तकनीकी साक्ष्यों को संकलित किया गया तो निष्कर्ष में हम ये पूछे, उसकी मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी पूछताछ भी की गई तो निष्कर्ष में ये पूछे कि उसने बताया कि उसका दोस्त विनोद जो दूर का रिश्तेदार है उससे उनका संबंध था और उस दिन ये उसके दोस्त के रूम पे मिले थे और बातचीत हुई। उनका जो भी था आहत होकर उसने स्वयं को ब्लेड से गला काट लिया था और हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मामले को डाइवर्ट किया गया चूँकि अपने संबंध को छिपाना था जो और ताकि अपनी बदनामी से डरना था, इसलिए केस को गुमराह किया गया था। लेकिन जब बिंदुवार जाँच की गई और मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई तो उसने उनको स्वीकार किया। इसमें थाना इस तरह पर उन्होंने NCR परिवाद भी जाहिर करेंगे माननीय न्यायालय में और पूरी टीम को बधाई इसके लिए। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।